भाई मैं 18 घंटे आंसर राइटिंग करता ना, सब बोलते हाँ ये करता होगा भाई, इसने पेपर निकाला है। बट मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूँ, मैंने कभी आंसर राइटिंग नहीं की है। मेरे लिए निभ गया, आपके लिए नहीं निभेगा। किसी और कोई और बंदा यहाँ पे होगा उसके लिए भी निभ जाएगा। इट्स यू हू हैज टू डिसाइड कि मुझे पढ़ना कैसे है। जो आपको लग रहा है मुझे ये डेटा याद करना है, आपको उसके पीछे का जो कंसेप्ट है ना वो याद करना है। अगर कोई रिपोर्ट आ रही है जैसे क्लाइमेट चेंज वाली, आपको ये याद करना है कि कार्बन इमिशंस इंक्रीज हुए कि डिक्रीज हुए हैं। तो क्वेश्चन समझने की ये जो पहला स्टेप है ना, गलत आंसर क्यों दे देते हैं एमसीक्यू में, उसमें आप बोल्ड करके दिया होता है रॉन्ग वन को चूज करो। क्योंकि जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना इतने जल्दी में होते हैं कि हमें आंसर दे देना है, टाइम मैनेज करना है। आराम से पढ़ो, धीरे धीरे, यू हैव इनफ टाइम ड्यूरिंग प्रीलिम्स। नजर से हटा दिया, जब मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ तो मैं हिस्ट्री ही पढ़ रही हूँ, मुझे इस बात का टेंशन नहीं है कि मुझे वो भी पढ़ना है ये भी पढ़ना है। जब इस अप्रोच के साथ पढ़ोगे ना तब मजा आएगा, यू अंडरस्टैंड। Javed, I recently qualified KS with rank 55. Today I participated in Chanakya's seminar. It was really good, interactive session. Many people had a lot of questions and a lot of things turned up which are very learnable. So it was a good experience. Ma'am, what will be your message for those aspirants who are preparing for IAS, KS? Please prepare with ease of mind, with the intention of increasing your knowledge. Don't just overburden yourself with studying every piece of knowledge that is present out there. Just limit your resources, be confident in yourself, have consistency and dedication. That would be my message to all of those who are pursuing this civil services. It is consistency, I would say. Consistency is the secret of my success, plus constant support from my parents. That has been a major aspect of this preparation or preparatory phase. So that's it. आई थिंक मुझे लगता है आज का जो प्रोग्राम था काफ़ी बेनिफिशियल था, क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स आए थे यहाँ पे और उनने अपनी स्ट्रैटेजी बताई, कैसे उनने इतना सारा टाइम देते हुए पूरा अपना एंथुजियाज्म बरकरार रखा फॉर दिस एग्जामिनेशन। और मुझे लगता है हाँ, ये ऐसे वाले टॉपर टॉक्स जो है इसका हमेशा बच्चे भी इंतज़ार करते हैं, बिकॉज़ ये आपको एक बताते हैं कि कैसे आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और आपका टाइम कम करते हैं इस एग्ज़ाम में, क्योंकि ये एग्ज़ाम है ही बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव और इसमें अगर आपकी सही स्ट्रैटेजी नहीं हुई तो देर आर मोर चांसेस के आप यू आर बाउंड टू फेल। सो वेरी इंपॉर्टेंट ये वाले सारे टॉपर टॉक्स। और जैसे हमने बात की इसमें काफ़ी, मैंने मेंस के बारे में बात की, बाकी जो हमारे स्पीकर्स थे उनने बात की प्रीलिम्स को कैसे हैंडल करना चाहिए, ऑप्शनल कैसे चूज़ करना चाहिए। मुझे लगता है ओवरऑल ये काफ़ी हेल्पफुल है फर्दर सब लोगों के लिए, सब स्टूडेंट्स के लिए हु वॉन्ट टू एस्पायर फॉर दिस एग्जाम। आई वुड से कि पेशेंस, परसिवरेंस और हार्डवर्क, देर इज़ नो शॉर्टकट टू इट, वो आपको करना ही पड़ेगा। आपको अपना बेस्ट देना है, एक साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड के साथ इस एग्जाम को लेना है, बट दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर ये नहीं होता है फिर भी आप लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, इट इज़ नॉट कि यही आपका एंड होगा लाइफ में। दैट इज़ व्हाट आई वुड से। मैम, किसी भी चीज़ में कामयाब होने के लिए हम इसी एग्ज़ाम की मिसाल ले लें, कितना रोल बनता है पेरेंट्स का इसमें कि वो अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि हर मुश्किल में उनका साथ दें, क्या कहेंगे आप पेरेंट्स को, क्या मैसेज है? पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल है इस चीज़ में कि पेरेंट्स, मैं अगर अपनी बात करूँ तो वो बहुत हमेशा हर टाइम पे अब हर टाइम ये ऐसा नहीं होता कि हर आपका हाई होता है हर एक टाइम, आपको मैक्सिमम इस वाले जो ये सारी जर्नी है इसमें आपको लोज का काफ़ी फेस करना पड़ता है, तो उसमें आपकी फैमिली ही आपका सपोर्ट होती है। वो आपको बोलती है नहीं, यू कैन डू इट, आप नहीं, आप यहाँ पर गलती कर रहे हो या यहाँ पर आपको ये चीज़ सही करनी चाहिए, उसमें वो बहुत ज़्यादा फैमिली का रोल है। तो फैमिली को हमेशा सपोर्टिव रहना चाहिए, स्पेशली फॉर दी वेमेन चाइल्ड, जो गर्ल चाइल्ड है मुझे लगता है उनकी बहुत कम पार्टिसिपेशन है, उनको आगे आना चाहिए। इवन फॉर दी मेल चाइल्ड आई वुड से डिफरेंट बर्डन्स हैं, डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस हैं दोनों वाले तबके से, तो उसमें फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और उनको एट द सेम टाइम ये भी देखना चाहिए कि सही डायरेक्शन में वो जा रहे हैं कि नहीं। मुझे लगता है दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट, एक बैलेंस मेंटेन करना, आपको सपोर्ट भी करना है बट देन उनको वहाँ पर टोकना है हाँ यहाँ या ये आप गलत कर रहे हो, ये आपको सही करना चाहिए। मुझे लगता है इस एग्ज़ाम को लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत रखनी पड़ेगी, अगर आपको बहुत ज़्यादा इसमें लोज फील करने पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट बिलीव दैट कुछ अच्छा ही आने वाला है, आप अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं तो ज़रूर आएंगे रिजल्ट्स। दैट वुड बी द फाइनल मैसेज। थैंक यू सो मच।
मैम इस बारे में बताएं, लास्ट वीक आपका जो इंटरव्यू था बहुत ज़्यादा वायरल था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वेल, मैं इसके बारे में यही कहना चाहती हूँ कि वो वायरल आफ्टर रिजल्ट हुआ, तो आई होप इन फ्यूचर इट हेल्प्स स्टूडेंट्स हु वुड बी एट दैट स्टेज इन 2023 होपफुली. सो आई होप इट मेक्स अ डिफरेंस इन देयर प्रिपरेशन. सो दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट इट. मैम, पेरेंट्स का कितना ज़्यादा सपोर्ट है एक स्टूडेंट के लिए, एक ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहा है, प्रेशर ऑलरेडी उसको बहुत ज़्यादा होता है, पेरेंट्स का कितना ज़्यादा सपोर्ट रहता है और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पेरेंट्स? जी, पर्सनल एक्सपीरियंस है, पेरेंट्स एक सपोर्ट सिस्टम होता है जो कि हर एक की लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है. नेवरदलेस, अगर किसी को कम सपोर्ट मिल रहा है, दैट पर्सन नीड्स टू बी मोर स्ट्रॉन्गर. सो ऑल इन ऑल, अ पर्सन नीड्स टू बी मेंटली रियली स्ट्रॉन्ग टू गो थ्रू दिस प्रोसेस. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज तफीम फिरदोशा, आई बिलोंग टू करनगर एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर. आई हैव क्वालिफाइड द कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 21 कंडक्टेड बाई JKPSC एंड माई रैंक वॉज 27. टूडे वी हैड बीन एट चाणक्य IAS इंस्टीट्यूट एट श्रीनगर. द इंटेंडेड पर्पज ऑफ द सेमिनार वॉज टू encourage the future aspirants regarding the strategy and the schedule of the exam and how to approach the exam. We were 4 to 5 already qualified candidates, and I am highly thankful to the institute for organizing such seminars which would be beneficial for the society overall and for the student community overall who are aspiring to join the civil services. Thank you. Assalamu alaikum, my name is Saeed Nazif. I have recently qualified the combined competitive exam 2021. So maine Chanakya Academy se interview guidance program ke part tha main inka, to do interview guidance program maine inse liye, so that was really helpful to me. Main har ek bacche se yahi kehna chahunga ki focus kariye apni padhai ki taraf, dhyan dijiye. At the end of the day what matters is aap अपनी मेहनत को कहाँ तक पहुँचा देते हैं. सो आप अपनी तरफ से मेहनत करिए, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा आपके साथ. रेस्ट नथिंग एल्स. थैंक यू.